एक बात समझिए, राजनीति है क्या? यहां से बात हम शुरू करते हैं। राजनीति है समाज को बनाने का इंस्ट्रूमेंट, समाज को बनाने का माध्यम है राजनीति। हम लोग जिस तरह से राजनीति की परिभाषा अपने आप में बना लिए हैं, वो राजनीति की परिभाषा नहीं है। राजनीति की परिभाषा है कि समाज को किस तरह से आप बेहतर से बेहतर बनाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे मान लीजिए कि आप को लोग सरकार के खिलाफ जाकर, यानी जो सरकार चलाने वाली जो पार्टी है उसके खिलाफ जाकर आपको चुनती है, यानी विपक्ष को चुनती है, किसी भी विपक्ष को चुनती है, तो विपक्ष को क्यों चुनती है वो? क्योंकि आप उसके पास जाते हैं, सभाएं करते हैं और आप अपना एक मांग पत्र पेश करते हैं। आप उसको, उनको, लोगों को यह बताते हैं कि सरकार में, सरकार चलाने वाली पार्टी ने अमुक अमुक तरीके की गलतियां की हैं, अमुक अमुक तरीके के भ्रष्टाचार किए हैं, अमुक अमुक तरीके से समाज को कमजोर किया है, या अमुक अमुक तरीके से समाज को बिगाड़ा है। आप यही बोलते हैं विपक्ष के रूप में। तब आप उसके ठीक आप सामने ये कहते हैं कि हम समाज को, अगर सरकार चलाने के लिए हम जाएंगे तो हम ये काम करेंगे। आप ये अपना मैनिफेस्टो रखते हैं जिसको आप कहते हैं। ये क्या है मैनिफेस्टो का रखना और सरकार की आलोचना, ये क्या है? ये आपका एक दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण है आपका, एक नजरिया है समाज को बनाने का। उसकी स्वीकृति मिलती है या उसको अस्वीकार किया जाता है, ठीक है। यह तो हुई सामान्य तरह की बात, जनरल बातचीत हो गई। अब आप क्या हो गया है कि आप मैनिफेस्टो में कुछ भी कह लीजिए, आपके खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा, बोल दीजिए आपके खाते में 15 लाख पहुंच जाएगा, सारा ब्लैक मनी आ जाएगा, बोल दीजिए। तो आप अगर राजनीति में अपनी जिम्मेवारी को अब भूल गए, तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी विचारधारा के अब नहीं है। तब आप केवल और केवल, केवल और केवल जो समाज पे जो वर्चस्व रखते हैं, यानी जिसको कि हम कहते हैं पूंजीपति, जिसको कहते हैं हम दबंग लोग, केवल आप उसके लिए लोगों को झांसा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बात कह रहे हैं। क्योंकि एक सामने वाला आदमी जो नागरिक है, सरकार की कार्रवाइयों से नाराज है, तो नाराज है तो अब क्या करेंगे आप? उस नाराजगी को हमको भुनाना है, उस नाराजगी को हमको इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपकी नीयत अगर ये हो जाएगी तो राजनीति का जो मकसद है वही तब तो डिफीट हो गया। हम सब लोगों के बीच से जब सरकार में जाते हैं, भाई सरकार में क्या है? सरकार को आप चलाने जाती है, एक पार्टी चलाने जाती है। सरकार क्या है? सरकार एक मशीनरी, एक तंत्र है, उसको चलाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी जाती है। जब राजनीतिक पार्टी जा रही है तो क्यों जा रही है? क्योंकि उस तंत्र में उसको ये लगता है कि हम अपनी बात को रखेंगे और इस तंत्र से अपनी जो जरूरतें हैं, अपना जो कार्यक्रम है, उसको हम पूरा करवाएंगे। अब आप क्या, आपकी क्या स्थिति हो जाती है? आपकी स्थिति हो जाती है कि आप सरकार चलाने के लिए जाते हैं तो आप तंत्र के ही हिस्से हो जाते हैं, ना कि आप तंत्र को चलाने की कोई कोशिश अपने तरीके से करते हैं, आप तंत्र के हिस्से हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां तो एक ही जैसी हैं, किसी में अंतर नहीं रह गया है। क्योंकि आप अपनी आइडियोलॉजी को किस तरह से उस तंत्र में हमको इस्तेमाल करना है, इसको आप इससे समझौता कर लेते हैं। समझौता क्यों कर लेते हैं? समझौता आप इसलिए कर लेते हैं कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना है, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना है, कुछ लोगों को, कुछ ही, कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है, कुछ समाज में कुछ ही लोगों को ठेकेदार बना देना है। आप इसमें फंसे रह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आप बैलेंस करने की बात करते हो, बैलेंस भी नहीं हो पाता है।
पूरी तरह से समर्पण हो जाता है। अब बैलेंस तो करें आप, बैलेंस तो करें आप, बैलेंस करने की ही जो राजनीति है अभी तो वही खत्म हो गई है। हम कह रहे हैं कि बैलेंस करने की राजनीति भी हो तो कम से कम कुछ हद तक चल जाएगा, लेकिन अभी तो आप बैलेंस करने की जो राजनीति उसको भी आप खत्म कर दे रहे हैं। करना ना ना, बैलेंस क्या होता है? हम तो राजा हो गए अब, और हम एकदम राजाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं, चले गए हैं। 540 सब सांसद नहीं चुनते हैं आप, एक एक व्यक्ति की आप फोटोकॉपी चुनते हैं, फोटोकॉपी चुनते हैं आप। एक सांसद, कई सांसद ऐसे मिले हमको जो कर है, ए हमको क्या करना है ना, वो अपना कोई निकालेंगे तरकस से तीर, हमको क्या करना है। आप हर क्षेत्र में चले जाइए, लोगों से पूछिए कि आपके भाई प्रतिनिधि जो है वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ खूब लोग आलोचना करेगा, कुछ लोग आलोचना करेगा, और सांसद को लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विधायक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो कह रहा नहीं, हमको करना क्या है, हम तो हमको थोड़ी लोगों ने वोट दिया है, वोट तो दिया है उनको, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं ये। तो आप सोचिए कि हम कहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कहां फंस गए हैं, कहां आ गए हम। तो एक अलग तरह की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। तो ये बैलेंस करने वाली जो बात है वो बहुत ही राजनीति में आपको फिर से इसको पटरी पे लाने की कोशिश करनी पड़ेगी।